कोई भी कंपोनेंट मिस हो जाए तो आपका ट्रैक ब्रेक गाड़ी हो में जाता भागा है तो इजीली। पार्सल हिमालय थोड़ा आप लोग जाके साइलेंट बस रहिए, में। अच्छा सीरीज वाला कोई भी एक कंपोनेंट मिस हो जाए तो ट्रैक ब्रेक हो जाएगा जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन पैरेलल वाला मैं एक हटा भी दूं तो देखिए कोई ट्रैक ब्रेक नहीं हुआ, सीधी लाइन जा रही है अभी भी। ये जा रहा फर्क रहता है इसमें, जैसा एक रजिस्टर हटा दिया हमें, वोल्टेज यही रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, वापस से लगाना होगा आपको। यहाँ से लाइट सेक्शन में सीरीज में डायोड मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज रुक गया, आगे जा नहीं पाएगा जब तक ये वापस से यहाँ लगेगा नहीं इसे। तो याद रखिए सीरीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैरल वाला हमेशा नीचे का ग्राउंड ऊपर पहुंचाएगा और इस लाइन को शॉर्ट कर देगा। एक अगर ये ग्राउंड के साथ मिल गया तो तीनों के तीनों बीप बजाते हैं। ये चीज को मैं यहां भी समझाया हूँ, सीरीज और पैरल इसको अच्छे से देख लीजिए। हर आईसी में हमेशा दो लाइन हमेशा कनेक्ट होते हैं, ग्राउंड के साथ और एक सप्लाई वाली लाइन। ये हमारी सप्लाई वाली लाइन में हमेशा एक कंपोनेंट सीरीज में आते हैं रजिस्टर्स, और ऐसा नहीं है कि कोई कंपोनेंट पर्टिकुलर ऐसा ही रहेगा। रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, डायोड हो या कॉइल हो, सीरीज में भी आ सकता है, पैरेलल में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सीरीज में ही होगा। दोनों तरफ जीआर का मतलब होता है वैल्यू, जो आईसी से वैल्यू निकल रहा था यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। इनपुट में मिल रहा है, आउटपुट में नहीं मिल रहा है, मतलब ये खराब हो चुका है। यहां भी इनपुट में मिल रहा है, आउटपुट में नहीं मिल रहा है, मतलब ये खराब हो चुका है। ये वाले सीरीज कंपोनेंट ऐसे लगे होते हैं, ये टेस्ट पॉइंट होता है। ये लाइन का वैल्यू हमको चेक करना है तो सीधा सीधा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, या कनेक्टर पे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम सीरीज कंपोनेंट बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं पैरेलल में, एक तरफ वैल्यू मिलेगा, एक तरफ ग्राउंड आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट। सीधा सीधा समझ जाइए, ये सीरीज ये पैरेलल दोनों भी रजिस्टर्स ही है। सीरीज में आपको एक ही लाइन में लगे रहते हैं, पैरेलल में दो, एक ग्राउंड बढ़ जाएगा। अब पैरेलल में एक और एक कैपेसिटर बना दिया हूं मैं, देखिए इसमें भी ग्राउंड मिल रहा है, इधर तो वोल्टेज मिलेगा। अब ये नीचे का ग्राउंड ऊपर नहीं पहुंचाएंगे ये लोग, ये हाई वैल्यू का होता है, और ये कैपेसिटर में तो दो प्लेट होते हैं, तो नीचे तो पैरेलल वाला रहेगा, ऊपर सप्लाई वाला। एक डायोड भी लगा देता हूँ, देखिए डायोड का माइनस का सिरा वोल्टेज की लाइन में है, प्लस का सिरा ग्राउंड में लगा होता है, तो डायोड ऐसा उल्टा काम करता है। तो इसको पैरेलल बोलेंगे और इसको सीरीज बोलेंगे, इसको पैरेलल बोलेंगे, इसको भी पैरेलल बोलेंगे। ये वाला फोटो ले लीजिए या फिर आप वीडियो को एक से दो बार देखिए, मैं अपलोड करता हूँ ये वीडियो। यही चीज अगर हम सर्किट में देखेंगे तो डायग्राम में ऐसा बनाएगा, इसको एक सप्लाई बाहर निकली तो रजिस्टर का सिंबल आ जाएगा सीरीज में, फिर कॉयल का सिंबल, अगर सीरीज में डायोड लगा होगा तो ऐसा लगा होगा, ये ऐसा लाइट सेक्शन में लगा होगा। अब यही चीज को पैरेलल वाले कंपोनेंट नीचे बना लेते हैं। कैपेसिटर देखिए हमेशा ऐसा लगा होता है ग्राउंड के साथ, ये डायोड ऐसा लगा होता है ग्राउंड के साथ। अगर हाई वैल्यू का अगर रजिस्टर रहेगा तो ऐसा लगा रहेगा, HVR मतलब हाई वैल्यू रजिस्टर। इसको हम सीरीज वाले सर्किट बोलेंगे, इसको पैरेलल वाला, इसको याद रख लीजिए आप। तो कंपोनेंट तो बदलते रहेंगे, कभी नीचे आएंगे कभी ऊपर आएंगे, अपने को चेक करना है कि कैसा लगा है। तो ये सीरीज और पैरेलल का एक कंपोनेंट बता दिया हूं, ठीक है। अब मैं आपको कल क्या करूंगा, अपना जो एप्लीकेशन में ग्रुप बनेगा 5 नवंबर के नाम से बनेगा, उसमें वीडियो अपलोड करता हूं मैं, आप उसमें जाकर के आराम से अपने ग्रुप में देखिए। अब सारे के सारे अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिलेंगे दूसरे वाले ग्रुप्स में, जो हमारा 20 सितंबर का है या फिर 5 नवंबर का है या अलग ग्रुप है, तो उसमें आपको मिलेंगे। तो आप लोगों को मैं सारे के सारे एक्टिवेट कर देता हूँ, आपके हिसाब से जाइए।